हम वर्तमान प्रधान हैं, लेकिन एक औरत ने हमको परेशान कर दी है। क्या नाम है उस औरत का? विमला देवी। पति का नाम श्रवण साहनी, उसका देवर का नाम है विनोद साहनी, और चंदन उसका लड़का है श्रवण का। ये लोग दबंगई हमारे साथ कर रहे हैं, भूम माफिया हैं सब, जो खाद गड्ढे में बसे हैं, पोखरी में बसे हैं। उसके चलते हमने अतिक्रमण सफाई कराया तो हमको 76 में फांसने के लिए बोल रही है। पूरे गांव में आप पता लगा लीजिए कि मैं कैसा प्रधान हूँ, दबंगई हूँ कि मैं सही हूँ। उसके बाद आप लोग निस्तारण कीजिए। हम 15 दिन 20 दिन हो जाता है मैं इधर आता नहीं हूँ, इसी के डर के माते दिन बूढ़ता है तभी नहीं आता हूँ। ये केवल 76 का हमको धमकी दे रही है। जो विनोद का दामाद है वो धमकी देता है कि नेपाल में हमारा दामाद है, माओवादी है, हम कटवा देंगे, लेकिन ये बताइए हम कैसे प्रधानी करें। अब आप लोग हमको कृपा करके बचाने का कोशिश करें, हम प्रधानी करें, किन लोगों के पीछे हम दौड़े। ये दबंगई औरत है जो शनिचरा देवी मर गई, उसको डायलॉग मार के बोल रही है शनिचरा के जगह पर मैं हूँ। बताइए इतना दबंगई वो कर रही है, रास्ते में खड़ंजे में लकड़ी डाल दी थी, उसको 112 नंबर बुला के उसको सफाई करवाया, हमेशा उसमें लकड़ी गाँच के अतिक्रमण कर रही है खड़ंजे में। इसके बोलने के बाद भी जो भी गड्ढा है, नहर खनाया खुदाया हुआ छोटी थी गड्ढी थी, उसको हमने सफाई करा दिया, क्योंकि पूरे टोले का पानी उसी में जाता है, नल का पानी, तो मैंने उसका थोड़ा खुदाई करा दिया। मानते हैं वो नहर का जमीन है, लेकिन जब 50 साल से है तो उसका मैं सर सफाई कराया हूँ, बाकी कुछ नहीं किया हूँ। इसके बावजूद भी ये विमला देवी हमारे ऊपर दबंगई कर रही है। इसके संबंध में कहीं एप्लीकेशन डाले आप? हम एप्लीकेशन डाले हैं। कहाँ? हम डाले हैं खाद गड्ढे का और पोखरी का डाले हैं, क्योंकि सफाई हो जाएगा तो हम वो 34 डिसमिल का जो पोखरी है उसको मैं अमृत सरोवर बना। चले हम तो ये नहीं जाने कि ये हमारे ऊपर ऐसे करेगी, हम तो सोचे ये लोग, चलिए हमें टोला में रहना है, गांव में रहना है, विवाद से बचे रहें। पूरे टोले में आकर के गांव में कोई भी पता लगा ले, सब औरत से पता लगा ले कि मैं कैसा प्रधान हूँ। ये बोलती है मामला वही है कि ये हमको दबंगई दिखा रही है। महिला के द्वारा जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, इसमें क्या सच है? ये सब निशान गलत है। हाँ, इसको गांव में पूछिए। आपको फंसाने का काम ये हमारे फंसाने को काम कर रही है। उसका मैं आवास नहीं दिया, आवास नहीं खुला है, इसी के बदले हमको बदला दे रही है। मानता हूँ वो हमको वोट दी है, आवास खुलेगा तो सबको मिलेगा, जो हमको नहीं दिया है वो भी, जो मिला है वो भी, मैं पूरा आवास देने को तैयार हूँ, लेकिन आवास खुले तब न मैं दूं। इसके दबंगई से हमारे ऊपर ज्यादा दबंगई कर रही है। शासन प्रशासन से क्या कहेंगे? शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि हमको यात्रा से बचाए, हमको हमेशा धमकी दे रही है।